तो लेडी जेंट्स का अलग हो रहा है? नहीं सर, ये अभी आप आज रात में हुआ है, पहले से जैसे ही हो रहा था वैसे ही होते नहीं, पहले का बात मैंने बोला, आज का आपका क्वेश्चन है ना। कुछ लोगों से बयान लिए हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब महिला और पुरुष अलग अलग जा रहे हैं। जी पहले ये चीज़ें हो जाता तो इस तरह घटना नहीं होता, इस पर आप क्या बोलते हैं? तो उसमें भी अब इस बार भी देखा मैंने कि प्रशासन का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। ये घटना घटने के बाद बढ़ोतरी हुआ, पहले नहीं? नहीं, लगभग संडे की रात में लगभग फैला रहे हैं कि एक साढ़ था, वो साढ़ का चपेट में आ गया और भगदड़ मच गया। इसका कहाँ तक सच्चाई है? इस चीज का कोई, इस चीज का मृत्यु हो गया 50 लोग के, 40 लोग के, 70 लोग के, हर लोग हर तरह की बात बोल रहे हैं। आप यहाँ पे थे, आप नजदीकी से देखे हैं, इसका सच्चाई क्या? तो घटना होने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची, एम्बुलेंस और यहाँ पे होने के बाद उसके बाद यहाँ के महिला और पुरुष कितने देरी के बाद हॉस्पिटल गए, कितना समय लगा इसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का व्यवस्था है यहाँ पर? आज भी हम देखते हुए आ रहे हैं और बात पूछते हुए आ रहे हैं, ना फर्स्ट एड का व्यवस्था है अभी तक और ना पानी का व्यवस्था है। 2 करोड़ लगभग रुपया टेंडर के रूप में सरकार को खाता में जाता है जी। लेकिन सरकार उसके बदले में क्या क्या सुविधा दिए हुए हैं श्रद्धालुओं को? रात का टाइम होता है, लेडी हो या जेंट्स हो, जंगलों में ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो जहाँ पे रास्ता मिला हो तो उसके नज़दीक में झाड़ियों में बैठ जाते हैं। महिला और पुरुष जो मंदिर में एंट्री करवाया जा रहा है उसको 2 अलग अलग जगह पे करवाना चाहिए, तो ये आप क्यों नहीं करवा पाए और इसके वजह से आज ये घटना हुई? नमस्कार, मैं हूँ कमल नयन, आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री भारत। फ्री भारत की टीम पहुँच चुकी है बड़ावर पहाड़ पर। जैसा कि आपको पता है कि जब फर्स्ट सोमारी था तो मैं 15 वीडियो लगभग है जो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। कुछ कमियों को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन क्या वजह ऐसी रही कुछ है, अभी से नीचे से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी है जो यहाँ पे पहुँच चुकी है अब खबरों को दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग गया और गया का टोटल लोग जितने भी लोकल खबर है सारे लोग हैं जो दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो फ्री भारत भी है जो इस खबर को पुष्टि करने के लिए और दिखाने के लिए आपके साथ आ चुके हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बराबर पहाड़ के मंदिर के अभिमन्यु भारती जी हैं जो यहाँ के महंत है, तो इनसे जानेंगे कि कैसे ये घटना हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे कि यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो छुपाया जा रहा है, तो क्या कुछ खबर है हम इनसे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्री भारत और आनंद भारत फिर से आपका वेलकम करते हैं जी। जैसा कि आपने मेरे बारे में बताने का खर्च किया, एक चीज़ और मैं पूछता, ये घटना कैसे घटा? सुनने में आ रहा है कि भगदड़ मचा, भगदड़ के कारण है जो बहुत सारे महिलाएं और पुरुष है जो एक साथ उन पे गिरी है और इस तरीके का घटना है जो एक नाला है, ठीक है, उसके अंदर में लोग जा करके जो सहता गया, कैसे क्या कहेंगे दर्शकों को आप? जहां तक नाला का बात है तो पहाड़ पे तो नाला मंदिर परिसर के इर्द गिर्द में 50 मीटर तक तो है ही नहीं नाला, आप उसको सीढ़ी बोल सकते हैं, सीढ़ी का जो गैप है हाँ तो वो हो सकता है, लेकिन मॉब का कोई रूपरेखा नहीं होता है, और जैसे लोग अचेत स्थिति में एक सहसा कोई काम होता है तो वो उनको दिखाई नहीं देता कि मैं किधर जाऊं, जिसको जिधर जगह मिले उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी के चपेट में आने से ऐसा कैजुअलिटी जो आप लोगों को प्राप्त हुआ वो है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि उसमें जब हम लोग आए थे तो प्रशासन बहुत ही कम था और महिला और पुरुष एक ही साथ है जो मंदिर में एंट्री करवा रहे थे, तो क्या आज हम कुछ लोगों से बयान लिए हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब महिला और पुरुष अलग अलग जा रहे हैं। जी पहले ये चीज़ें हो जाता तो इस तरह घटना नहीं होता, इस पर आप क्या बोलेंगे? जहाँ तक महिला पुरुष का बात है तो चढ़ाई तो साथ में ही चढ़ते हैं लोग पहाड़ पे, तो इसमें महिला पुरुष का तो कुछ है नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ ही ऊपर आते हैं लोग। रह गया मंदिर प्रांगण का बात, तो वहाँ पर लोग पार्टीशन होता है, लेकिन जैसा कि सिस्टम चेंज हुआ, पहले जो अर्घा का जो सिस्टम था वो गर्भगृह के नज़दीक में होता था, तो उस समय लेडीज और जेंट्स पाठ करने में आसानी होती थी, लेकिन ठीक है अब जिला प्रशासन का यह फैसला था कि आप अर्घा को बाहर कर दिया जाए, तो हमको लगा कि उनका सहयोग करना ही चाहिए, जो उचित हो वही करना चाहिए। तो उसमें भी अब इस बार भी देखा मैंने कि प्रशासन का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। ये घटना घटने के बाद बढ़ोतरी हुआ, पहले नहीं? नहीं, लगभग संडे की रात में लगभग
तीन चार दर्जन तो हमारे वीडियो में ऑलरेडी लोग देख चुके हैं वीडियो को, वो पहले का बात प्रशासन नहीं नहीं इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इस पहले का ही बात होगा, बात कर रहा हूँ यही तो मैं बोल रहा हूँ पहले का बात होगा। आज हम लोग घटना पे बात करने के लिए बैठे हैं, अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं आज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कल के बारे में। तो पर्याप्त लोग थे यहाँ पे, प्रशासनिक भी थे, एनसीसी कैडेट भी थे और मेरे जो वॉलंटियर्स थे वो भी थे, लेकिन घटना कैसे हुआ, क्या कमी रहा, वो मैं अगर आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आप अगर इसमें इंटरेस्ट है तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो घटना रात लगभग 12:10 में हुई है। घटना का मुख्य कारण यह है कि लोग यहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं ना, जिनको नॉलेज होता है कि श्रावण महीने में रविवार को श्रृंगार दर्शन होता है, तो ऑलरेडी 5 बजे शाम से ही लोग भरे पड़े होते हैं श्रृंगार देखने के लिए। तो ऑलरेडी जो मेरा स्पेस है एक पहाड़ी की चोटी पे है, छोटा जगह है, तो ऑलरेडी पहले से भरे हुए लोग थे श्रृंगार देखने के लिए। उसके बाद हम लोग पट खोलने का सिस्टम है 12 बजे रात के बाद, लेकिन भीड़ को देखते हुए हम लोग 10 बजे रात में ही खोल दिए थे पट, क्योंकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो पहले से ऑलरेडी तो यहाँ पे थे ही लोग मौजूद, और जैसे ही 12 रात बजता है उसके बाद जो भी यहाँ वहाँ जो लोग स्टे किए हुए थे वो एकाएक मौ चढ़ते हैं ऊपर। अव्यवस्था को मतलब पंख जिसको मतलब अव्यवस्था कैसे होता है वो इसके कारण हुआ, लोग इमेजिन नहीं हम लोग कर पाएंगे रात में इतना लोग कहाँ से आएंगे। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था वो लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन होता है कि लोग जो दर्शन करने के लिए सोमवार जो हो गया ना, इतवार के बाद सोमवारों के 12 बजे के बाद, तो सोमवार में दर्शन करने के लिए काफ़ी जनसैलाब आया, और उसके पीछे पीछे कांवड़िए लोग जो डाक बम होते हैं ना, तो वो आपको भी नॉलेज होगा, आप भी जाते होंगे डाक बम, तो एक हर हाथ में एक डंडा होता है और उन्होंने एक वचन लिया होता है कि जब मैं जल उठाऊँ तो भगवान पर अभिषेक करने के बाद ही अपना चरण स्टॉप करूँ। तो वो बात था, और पहले से भीड़ था तो कांवड़ियों लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनका वचन टूट ना जाए इसके लिए वो थोड़ा सा शक्ति का प्रदर्शन किए होंगे, तो उसमें कोई मैं उससे छुपाना नहीं चाहता हूँ, बहुत जो है तो थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया, तो उनको लगा, लोगों को लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हटाने के लिए बोल के और इसी में भगदड़ का वो रूप लिया। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित फैला रहे हैं कि एक साढ़ था वो साढ़ का चपेट में आ गया और भगदड़ मच गया, इसका कहाँ तक सच्चाई है? इस चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है, बोलने के लिए लोग बहुत लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्हीं का बहुत लोग है कि बोला धक्का मुक्की। मेरे पास CCTV फुटेज है, मैं क्या बोलूँगा कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब तो है नहीं, CCTV फुटेज है, तीसरा आंख जैसे आपका है तीसरा नेत्र तो मेरे पास है, जब भी जिला प्रशासन को जरूरत महसूस हो तो मैं हाँ अगर जरूरत पड़ेगा आपको तो मैं जरूर देना चाहूँगा, ताकि ये जो भ्रमित खबर जो है उसको शांति। हाँ लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, चूँकि अब ये मृत्यु से जुड़ा हुआ चीज़ है तो उस साक्ष्य का बहुत महत्व है, तो उसको सार्वजनिक करने से पहले मैं पहले ये चाहूँगा कि मैं उसको जिला प्रशासन को मैं पहले सौंपूँ, ताकि उचित कार्रवाई वो करें, जिनका भी इसमें नाम आ रहा है या जो भी लोग जिन पे केस हो चाहे जो भी हो उसमें उनको मदद मिले। बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई कह रहा कि 50 लोग चपेट में आ गए, मृत्यु हो गया 50 लोग के, 40 लोग के, 70 लोग के, हर तरह की बात बोल रहे हैं। जी जी। आप यहाँ पे थे, आप नज़दीकी से देखे हैं, इसका सच्चाई क्या है? जहाँ तक हम लोग का सच्चाई का बात है, जैसे ही भगदड़ हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया, क्योंकि हम लोग प्रांगण में होते हैं, मंदिर के प्रांगण में होते हैं, तो मेरे जितने वॉलंटियर्स होते हैं उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात, तो दौड़ के लोग गए, प्रशासन था वहाँ पे, तो प्रशासन का रिक्रूटमेंट जो होता है वो कहीं टुकड़ी में होता है, 2 यहाँ पे हैं 4 वहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि जितना ही प्रशासन एक ही जगह हो। तो वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे लोग प्रशासन गए, देखें कि लोग गिरे हुए हैं, तो जा कर के लोग उठाने का काम किया, उनको उठा कर करके एम्बुलेंस में पहुँचाने का भी काम किया, वहाँ पर तो और कोई थे नहीं, ऐसा तो नहीं था कि यात्री लोग मदद किए, किया तो जिला प्रशासन नहीं और मेरे वॉलंटियर्स नहीं, जा करके गऊ घाट में फिर आपको पाताल गंगा में पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने, जो जिस स्थिति में तो वैसा ही हम लोग वहाँ पर पहुँचाए, और बाद में पता चला आप लोग के माध्यम से कि 7 लोगों का कैजुअलिटी हो चुका है, और 7 लोगों का यहाँ और निकल गया है। जी जो हॉस्पिटल में फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ, चूँकि हम लोग तो यहीं पे थे, नीचे तो जा नहीं सका, हम लोग तो लोड करके वहाँ पे पहुँचा दिए, तो जो घायल हैं वो हमको लगता है 10-12 होंगे, 7 लोगों का मौत का पुष्टि हो चुका है,
वो सार्वजनिक हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा बाबा ये बताइएगा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य पुजारी है महंत, महंत जी महंत है, आपको ऐसा नहीं लगता कि यह घटना फिर से दोबारा घट सकती है अगर जो सरकार का पुलिस प्रशासन लापरवाही में रह गए तो? नीचे हम एक चीज नोटिस किए हैं, जो यहाँ से बस चलती है, जिसका बस से परिवहन होता है, बेला स्टेशन पे जाती है बस, फिर बराबर आती है, वो बस में इतना भेड़ बकरी की तरह भर भर के जाती है कि दोबारा भी ऐसा घटना घट सकता है, क्या कहेंगे अगर आप इस चीज इस ऑलरेडी जब आप इस बारीकी से चीज़ों को देखते हैं जी, तो कहीं भी पूर्ण कोई भी कार्य होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कमी तो होता ही है। जो आप भी जिस आप प्रोफेशन में वो कर रहे होंगे तो आप पर्याप्त नहीं है, कुछ तो कमी है, प्रयास अच्छा है, ये देखना चाहिए। पहले मुझे याद है कि लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल लोग यहाँ आते थे, अब प्रशासन के माध्यम से अगर ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है तो ठीक है। आपका कहना हद तक सही है कि भीड़ बकरी जैसा भीड़ ज़्यादा है, लोग मानते भी तो नहीं हैं सीट पर बैठ, सीट पर अगर आपने सवाल किया तो जवाब तो देना है ना। तो अगर उसमें जो सीटिंग है जी, तो सीटिंग का तो एक कैपेबिलिटी है ना कि इतना ही सीट है, लेकिन वो अपना स्वार्थ में हम लोग उस नियम को तोड़ते हैं और उसमें भेड़ बकरी जैसा चले जाते हैं, यहाँ के तो वो भी दिक्कत रहेगी। यहाँ के प्रशासन जब एडिग रह गई तो ऊपर जो बस पे छत लगा हुआ है वो खुलवा भी सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग के संज्ञान में चीज़ है तो मैं अपने तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रकाश डालने का कार्य करूँगा और जो भी उनका जो उचित लगे वो उन करने में सक्षम है। आप बोले बाबा कि हर कुछ संभव नहीं है, आप चैनल चलाते हैं, आप में फिर कमियां रहता होगा, बिल्कुल रहता है, लेकिन ये बताइए जो मेरा आँख के सामने कमियां आ जाए उसको तो दुर्दशा, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो अगर आपके संज्ञान में आया है तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, चूँकि मैं उस कार्य को करने के कैपेबिलिटी मैं नहीं रखता हूँ। मैं उनको संज्ञान में डाल सकता हूँ कि मेरे मंदिर में एक कमी है, मेरे श्रद्धालुओं का एक कमी हो रहा है, तो मैं प्रकाश डालूँगा और जिला प्रशासन, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो उस कार्य को फिर करेंगे। होना चाहिए कि ना जो सीटिंग पैसेंजर होना चाहिए जी, आप मैं तो ही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रकाश डाला है यानी मैं आपके बातों को स्वीकार कर रहा हूँ जी। यही बताता हूँ, घटना होने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँची, एम्बुलेंस और यहाँ पे होने के बाद उसके बाद यहाँ के महिला और पुरुष कितने देरी के बाद हॉस्पिटल गए, कितना समय लगा इस सारी चीज़ों में? चूँकि पहाड़ का काम तो पहाड़ जैसा ही होता है, लोग सीमित संसाधन से ऊपर आए हैं, सेल्फ आते हैं, अगर जिनके साथ कैजुअलिटी हुआ, जिनको दिक्कत हुआ, तो वॉलेंटियर्स जितना मेरे पास बन पाया और जितना पुलिस प्रशासन के पास जो लोग यहाँ पे थे, सभी लोगों ने उनको पहुँचाने का कार्य किया शीघ्र जो जल्दी हो सके, लेकिन पहाड़ है ना तो थोड़ा तो टाइम होता ही है। हाँ, तो लोग पहुँचाने का काम किए, एम्बुलेंस से पहुँचाने का, उनको लगता है कि जिस रफ्तार में लोग गए 15-20 मिनट हम लोग नीचे थे। हाँ, घटना के बाद ज़्यादा ऊपर से नीचे ले जाया गया, घायल और मृत, घायल लोग ऐसे अगर देखा जाए घायल छोटा मोटा तो हमको लगता है 20-25 से कम नहीं होंगे, जो अपने हिसाब से बहुत लोग चले गए, बहुत कम, लेकिन जो थे लोग वो 10 से 12 की संख्या में थे, और जो जिनके बारे में पता चला कि जो साथ वो थोड़ा डेट मतलब यहाँ पर डेट नहीं थे, उनका सांस चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग को तो CPR दिया गया ना, मुँह में सांस दे करके जिंदा किए, 2-3 आदमी को जिंदा किया गया जी, छटपटा रहे थे लोग जी। नहीं नहीं, अपने अनुभव से हम लोग जैसे यहाँ पे प्रशासनिक के लोग भी जिनसे जो बन पा रहा था वो मदद किया, हम लोगों ने भी किया, प्रशासन ने भी मदद किया, तो 2-3 जान तो ऐसे भी बचाया गया है जी। ये नहीं लगता इधर वाला रेलिंग भी कमजोर है। एक चीज़ आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का व्यवस्था है यहाँ पर? जहाँ तक मेडिकल सुविधा का बात है, ऐसा घटना ऐतिहासिक है, ऐसा घटना कभी इस प्रांगण में, इस मतलब इस 50 मीटर के रेंज में कभी हुआ नहीं। जहाँ तक नीचे का बात है तो वो सब उचित होता है, यहाँ पे फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है, लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन का बात हुआ इतना तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं, भगवान के दरबार में आज तक कभी यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। फर्स्ट एड का व्यवस्था कहाँ है, मंदिर के मतलब यहाँ पर या फिर नीचे? नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे दान शिविर है, जहाँ पे अनाउंस होता है वहाँ पे फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है, प्रशासन की तरफ से है। यहाँ आने में करीब 15-20 मिनट का समय से ज़्यादा भी लगता है, सीढ़ी बहुत सारा है,
तो आप जानते हैं कि इतना सारा भीड़ में लोग आ रहे हैं, बीच में अगर अनहोनी कुछ हो गया, आप जानते हैं भीड़ बहुत है, बहुत सीढ़ी से कहीं पर भी लोग गिर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि फर्स्ट एड का व्यवस्था, पहले दिन भी ये सवाल हमने किया था प्रशासन से कि फर्स्ट एड का व्यवस्था कई सारा शेड है, यात्री शेड वहाँ पर किया जा सकता है, पानी का व्यवस्था भी वहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन आज भी हम देखते हुए आ रहे हैं और बात पूछते हुए आ रहे हैं, ना फर्स्ट एड का व्यवस्था है अभी तक और ना पानी का व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन सही है, जहाँ तक प्रशासन का बात है, व्यवस्था लोग कर रहे हैं और जो कमी है उसको धीरे धीरे मतलब करने में लोग तत्पर हैं। आपने अगर प्रकाश डाला है तो इस बात को मैं पुनः एक बार बोलना चाहता हूँ कि मैं जिला प्रशासन को ये आगाह करूँगा कि अगर ऐसा प्रत्याशित घटना अगर कभी हो पानी के चलते हो तो इसको पूरा किया जाए, बीच में किया जाए, व्यवस्था किया जाए। बाबा ये तो बताइए कि यहाँ जो पर्यटक स्थल है, इस पर्यटक स्थल से बताया जा रहा है, जहाँ तक हमें पता चला है कि 2 करोड़ लगभग रुपया टेंडर के रूप में सरकार को खाता में जाता है जी। लेकिन सरकार उसके बदले में क्या क्या सुविधा दिए हुए हैं श्रद्धालुओं को? जो श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए जो राजस्व जो जाती है मतलब इस बड़ावर पहाड़ से टेंडर के रूप में जी। उसके लिए नीचे बहुत सारा शौचालय का व्यवस्था, सफाई का काम हो रहा है, उसके बाद पानी वाटर रिसोर्सेज का यानी पानी का सुविधा दिया जाता है और मेला में प्रशासनिक व्यवस्था किया जाता है, मेडिकल किट का व्यवस्था होता है। तो ठीक है, जो जितना होना चाहिए और होना चाहिए। यहाँ को जो गंदगी है जी, गंदगी चरम सीमा पे है, हर जगह पे गंदगी इतना ज़्यादा है कि पर्यटक स्थल का कोई महत्व ही नहीं पता चल रहा है। तो गंदगी का व्यवस्था गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने बोला ना, शौचालय का निर्माण उन्होंने किया है, वो जो वो क्या उसको बोलते हैं, जो मतलब चलंत शौचालय, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स होता है, वो इंस्टॉल करके इधर उधर आप ले जा सकते हैं जी, मोबिलाइज हाँ, तो उन्होंने किया है, लेकिन कुछ कमियां हम लोगों में भी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है ना, तो हम लोग ये देखते हैं रात का टाइम होता है, लेडी हो या जेंट्स हो, जंगलों में ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो जहाँ पे रास्ता मिला हो तो उसके नज़दीक में झाड़ियों में बैठ जाते हैं, तो कुछ कमियाँ हम लोगों में भी हैं जी, अपना भी साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दुकान दौरी खोले हुए हैं, जो सामान बेचते हैं, कोई समोसा बेचते हैं, कोई जलेबी बेचते हैं, हर तरह को खाने पीने वाला सामान, वो कूड़ा कचरा नहीं फेंक देते हैं खाने के बाद, और उसको डस्टबिन रखना चाहिए, जो डस्टबिन यहाँ पे जो ठेकेदार लोग हैं उनके माध्यम से रखा जाता है, लेकिन मैं पुनः इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस का बात है, ये रख देने से काम चलने वाला नहीं है, ये वो धीरे धीरे आएगा, अवेयरनेस का करना होगा। खुले हुए हैं वो, अगर जो दुकानदार बोले कि मेरा डस्टबिन है, कोई भी खाएगा वो गिलास या हो प्लेट हो सब डस्टबिन में डालेगा, वो अलर्ट रहेगा, तो ये चीज़ हो सकता है। हाँ, अगर कमी है उनके पास तो मैं उनको ये सुझाव मैं दूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति आपको तत्पर रहना चाहिए ताकि इससे जो यहाँ का वातावरण है दूषित ना हो, गंदगी ना फैले। नीचे से आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ हूँ, पूरा प्लेट पूरा पत्तल गिलास जितना भी रो सामान सड़ा गला सब फेंका हुआ है रास्ते पर ही। जी जी, मैं इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि हम उनको प्रेरित करने का मैं काम करूँगा। हाँ, स्मेल है, अगर रास्ते में आ रहे होंगे, कोई आता हुआ आपका परिवार का आदमी होगा, वो जरूर बताता होगा कि जितना गंदगी रास्ते में है उतना गंदगी तो नीचे उतरने के बाद भी नहीं है। तो गंदगी के बारे में आप लोग तीन दोनों का एक ही क्वेश्चन है, जो कि मैं पूर्व में ही बोल चुका हूँ, ये कुछ अवेयरनेस का भी काम है, और यहाँ पे जो लोग जो भिक्षाटन करते हैं, जो भीख मांगते हैं ना, वो लोग विकलांग होते हैं, आप इस पे भी फोकस कीजिएगा। तो विकलांग आदमी रात में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जिला प्रशासन से मैं गुहार लगाऊँ तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो। अच्छा, विकलांग के बात आ गया बाबा, तो एक सवाल और मेरा मन में चलने लगा, विकलांग के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसा भी भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है जो शरीर से एकदम दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और भीख मांग रहे, जब हम उससे सवाल किए कि आप भीख काहे मांगते हैं, तो सीधा सवाल करते जवाब देते हैं कि मेरा पास में खेती बाड़ी नहीं है इसलिए हम भीख मांगते हैं। हम बोले कि आप कमा सकते हैं, तो सीधा बोलते हैं कि हम कमाएंगे तो दिन भर में 300-400 रुपये कमाएंगे, मांग लेते हैं 1-2 हज़ार रुपया। जहाँ तक एक क्वेश्चन है, तो अगर जो जिसका मिलना चाहिए भीछा उसको नहीं मिल के, और जिसका ना मिलना चाहिए उसको मिल जाता है, तो यहाँ पे का आपका दायित्व क्या होगा? जहाँ तक दुनिया है, दुनिया में बहुत तरह माइंडसेट के लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पे, तो किनको क्या में इंटरेस्ट है
किनको कितना मेहनत करके क्या प्राप्त करना है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है, वो उनका अपना भी जीवन है। हाँ, आपको अगर आपने जब प्रकाश डाला उसको तो उनको लगना चाहिए। जब तक आप अपने आप नहीं चाहेंगे कि हमको ये काम नहीं करना, आपको कोई प्रेरित नहीं कर सकता है। आपको लालची इंसान तो लालची है ही, लेकिन मेरा दायित्व और आपका दायित्व क्या होता है? सुनिए, अंतिम क्वेश्चन करके हम समाप्त करेंगे। मेरा कहना है कि पहला दिन जब हम आए थे तो मैंने प्रश्न ये किया था कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, ऊपर से नीचे तक साइड की व्यवस्था होना चाहिए, फर्स्ट एड का व्यवस्था होना चाहिए, और महिला और पुरुष जो मंदिर में एंट्री करवाया जा रहा है उसको दो अलग अलग जगह पे करवाना चाहिए। तो ये आप क्यों नहीं करवा पाए और इसके वजह से आज ये घटना हुई, क्या बोलेंगे? जहाँ तक आपका जो दर्शाया गया था बात, वो लेडीज और जेंट्स का अलग अलग, तो लेडीज जेंट्स का अलग हो रहा है? नहीं सर, ये अभी आज रात में हुआ है, पहले से जैसा ही हो रहा था वैसा ही होता है। पहले का बात मैंने बोला, आज का आपका क्वेश्चन है ना कि ऐसा घटना नहीं होता, तो आज तो ऐसा है नहीं, लेडीज जेंट्स अलग अलग कर रहे हैं लोग। हाँ, लेडीज जेंट्स देखिए, जैसे रास्ता में कैसे लोग आते हैं, मैं फिर पुनः आपको दोहराना चाहता हूँ, रास्ता में फैमिली के साथ लोग आते हैं ना, तो वहाँ से आप पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जंगल है, बीच रास्ता में लोग आते हैं साथ में, यहाँ पे आने के बाद तो सिस्टम में आना ही आपको। जब आप ऊपर, जब आप ऊपर, वैसे वीडियो में लोग देख रहे हैं, ऊपर से आप चढ़ते हैं तो बीच से एक रेलिंग दिया गया है, उधर में आप महिला को कर दीजिए, इधर में आप पुरुष को कर दीजिए, एक साथ एंट्री करवा दीजिए। जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक ऐसे जगह के लिए बोल रहे हैं जहाँ पे सरफेस होना चाहिए। मेरे पास पर्याप्त समय जगह है, उसी में हमको इंट्रेंस भी करना है, आउट भी करना है, तो एक तरफ से हम लोग एग्जिट करते हैं, एक तरफ से आउट करते हैं, एंट्री करते हैं। ये सवाल इस जगह थोड़ा कम है बाबा, ये सवाल इसलिए, अगर ये जमीन पे होता तो हम लोग इसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो पाइपलाइन से ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप कर देते हैं कि लोग 2-3 किलोमीटर उसी में रह जाते हैं बिना कोई कारण। तो ये आपके कथनानुसार आप अपने जगह पर ठीक हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप क्वेश्चन किस जगह के बारे में कर रहे हैं। ये बराबर पहाड़ है, बहुत छोटा सा जगह है, टॉप पे हम लोग हैं, तो यहाँ पे उतना जगह पर्याप्त नहीं हो सकता, जो है उसमें हम लोग बेहतर कर सकें वो प्रयास हम लोग करेंगे। इनका पूछने का सवाल का मतलब ये हुआ बाबा कि जब एक व्यक्ति से नीचे कुछ पूछ रहे थे कि रात में जो घटना घटा कैसे घटा, तो बताया गया इनको कि जो ऊपर में लड़का लड़की एक साथ चढ़ता है, मेल फीमेल एक साथ चढ़ता है, कि चीटिंग के वजह से ही घटना भगदड़ हुआ। जहाँ तक लोगों छुट्टा छुट्टी काटने का, हम एक दूसरे में देख रहे हैं कि अब आप हैं बगल में, अब ये बगल में है, हम इनको छुट्टी काट लिए, पीछे हो गए, इनको आगे करते हैं। लोगों का बात है तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग का तरह तरह का बात होता है, जितने लोग उतने आंसर, उनका अपना मानना है। लेकिन चूंकि हम लोग व्यवस्थापक के तौर पर, महंत के तौर पर, जो हम लोग का व्यवस्था जो है वो आपके सामने है, लोग क्या बोलते हैं वो अलग ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, वो जो उनको लगा होगा पर्सनल प्रथम दृष्टता वो उनको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग अलग अलग करते ही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। जी आप लोग के लिए एंट्री एक्सिट का लगाइए, एंट्री एक्सिट का जैसे बात की है कि एक ही रास्ता है, उस पर से आएंगे और उससे ही जाना भी है। एक सुझाव हम दे रहे हैं, एक हम सुझाव दे रहे हैं कि एक आप जानते हैं पतलगंगा पर भी जाता है रास्ता, एक दूसरा रास्ता भी है गौघाट, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक रास्ते से हम एंट्री करवा दें और दूसरे से एग्जिट करवा दें। इसलिए संभव नहीं है ना कि लोकल मिला है ना, बहुत लोग के पास अपना व्हीकल्स होता नहीं है कि यहाँ पे उतरें और पूरा परिवार यहाँ पे हो और फिर गाड़ी उधर जाए, पैदल जाते हैं ना लोग। जिनके पास गाड़ी पर्याप्त है वही ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं गौघाट से चढ़ूँ और पतलगंगा उतरूँ, लेकिन हर आदमी के पास तो व्यवस्था है नहीं है। तो ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, इसको इसमें संपन्नता होना चाहिए, जो लोग संपन्न हो गए वो उनके लिए वो सही है, लेकिन आम इंसान के लिए कैसे संभव है? इसका रेडियस ही लगभग 60 से 8 किलोमीटर का है, तो वो ये त्रुटियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जी चलिए, तो आप देख रहे थे बराबर पहाड़ से, जो बराबर पहाड़ के महंत जी हैं और अभिमन्यु भारती जी नाम हुआ, बहुत ही प्रखर तरीके से अपना बात को रखे हैं, हर तरीके से सवाल को जवाब है, सुधी है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं जो इन्होंने बोला है, बाकी कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया है तो जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देखे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।